मेरा नाम मिसक है, मेरी 17 साल उम्र है। और पहले कभी मैं 5 साल की उम्र में स्कूल जाता था, अब नहीं मैं जा सकता। अब्बू के साथ हम काम करते हैं, अभी फ्रेंच फ्राइज का पढ़ते नहीं है, हमारे पास गुंजाइश नहीं है। मेरी बहन छोटी है, वो स्कूल जा सकती है, मेरा भाई भी स्कूल जा सकता है, मैं 17 साल का हूँ, मुझे कोई स्कूल नहीं रख सकता। वो बच्चों का शौक बहुत है पढ़ने का, क्या करें, कैसे पढ़ाएं बच्चों को, घर का पूरा करें कि बच्चों को पढ़ाएं। अब जब दूसरों को बच्चों को देखती हूँ ना जा रहे हैं स्कूल, मैं रोने लग पड़ती हूँ कभी कभी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे जड़ का काम नहीं करें, मेरे बेटे अच्छा काम कर सकें। मैंने अपने बच्चों को बोला, मैं मेरी एक सोच है दोबारा फिर मैं काम करूँ, कभी कुछ भी करके आप लोगों को पढ़ा सकूँ, दोबारा से दाखिला दिला सकूँ, मेरे बेटे भी बन सकते हैं काबिल। हमारे इतने अखराजात नहीं कि स्कूलों की फ़ीस भर सकें, स्कूलों की बहुत ज़्यादा फीस है। हमारे नज़दीक नज़दीक थोड़े स्कूल हैं, बच्चे जाते आते हैं, मगर उनकी पढ़ाई पूछे तो बिल्कुल ज़ीरो है, कोई पढ़ाता नहीं सही, कोई मैडम उधर बैठी हुई है, कोई उधर बैठी हुई है। अपने खाने पीने में कभी बच्चों को बोलती है लंच ले आओ, कभी कुछ ले आओ, इस तरह बच्चों को तवज्जो नहीं दी जाती, तो पढ़ा नहीं सकते। तो मैंने बोला इतने पैसे खर्चने का कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चा बड़े हो गए हैं, अब 18 साल का एक हो गया, एक 17 साल का मिसी का है, तो ये स्कूल तो जा नहीं सकते क्योंकि ये इतनी एज हो गई है कि कोई स्कूल में इनको दाखिला दे नहीं सकता, क्योंकि ये पहली के बच्चों में और इनमें बहुत फ़र्क हो जाएगा। अब यही है कि कोई इनको पढ़ लिख कर कोई इनको अच्छा कोई नौकरी मिल जाए या अच्छा कारोबार मिल जाए तो घर के हालात पर चल जाए। पढ़ लिख के हम अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी जॉब मिल सकती है हमारे को, हमारे घर के हालात बदल जाएंगे। मैंने सोचा था मैं स्कूल जाऊंगा तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मैं अच्छा बनूंगा पढ़ लिख के।